आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिव की नगरी देश के हृदय प्रदेश का सिवनी कहलाता है। शिव की नगरी में ऐतिहासिक मठ मंदिर प्रांगण अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं को समाहित किया हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल फिलहाल श्रावण मास में मठ मंदिर के अंदर एक ये कलाकृति आपको दिख रही होगी। ये कलाकृति लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शहर में न जाने कितने सेल्फी पॉइंट होंगे, पर लोग यहाँ आकर फोटो खिंचवा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में कबाड़ से जुगाड़ कर शहर के युवा कलाकारों के द्वारा जो सामग्री अनुपयोगी हो जाती है, उससे लगभग 15 फीट ऊंची देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शंकर की प्रतिकृति बनाई गई है। ये मठ मंदिर के अंदर का हम आपको नजारा दिखा रहे हैं। अखंड रामायण यहाँ पर जारी है। महाकाल समिति के द्वारा इस मठ मंदिर की देखरेख की जाती है और मठ कॉरिडोर की परिकल्पना लोगों के मन में उसी तरह जागृत है जिस तरह उज्जैन में महाकाल लोक बनाया गया है। ऐसे मठ मंदिर को लेकर मठ महालोक का अगर निर्माण कराया जाए, विधायक सांसद अगर इसमें दिलचस्पी लें तो राज्य सरकार के द्वारा कराया जा सकता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको पीछे दिख रही होगी प्रतिमा, लगभग 15 फीट की से ज़्यादा की प्रतिमा यहाँ दिख रही होगी और कबाड़ के सामान से इसे बनाया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी के युवा कलाकारों ने कबाड़ से जुगाड़ कर लगभग 15 फीट ऊंची भगवान शंकर की आकृति बनाई है। शहर के मठ मंदिर परिसर में बनाई गई है कलाकृति। बुधवार को पूर्ण हुई और उसके बाद श्रद्धालु इसके दर्शन कर रहे हैं। शहर के उभरते कलाकार विक्की कश्यप के द्वारा लगातार 3 सालों से यहाँ अनेक तरह की सामग्रियों से देवाधिदेव महादेव की, ये देखिए पिछले साल का हम आपको बता रहे हैं, पिछले साल की यहाँ पर ये प्रतिकृति आपको दिख रही होगी। ये 2022 में बनाई गई थी। 2023 का ये हम आपको दिखा रहे हैं। 2023 में विक्की कश्यप और उनके साथियों के द्वारा सावन के महीने में देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की नगरी माने जाने वाली सिवनी की सिद्धपीठ मठ मंदिर परिसर में अपने साथियों के साथ मिलकर नारियल की जटाओं से 16 फीट से ऊंची भगवान शंकर की प्रतिकृति बनाई गई थी। उन्होंने वर्ष 2022 में लकड़ी और तिनकों की मदद से भी भगवान शंकर की आकृति बनाई थी। विक्की कश्यप के इस काम में सहयोगी रहने वालों में रोहित रघुवंशी, शिव कश्यप, अंशु ओसवाल, एकलव्य बघेल, सनी कश्यप, लकी मेहरा, अभय शुक्ला, श्लोक पटवा, यश बघेल, आर्यन शुक्ला, कपिल कश्यप, अनिकेत कश्यप, सोहित सेन, आशीष कश्यप, कृष्णा यादव, नमन कश्यप, रौनक और अनमोल आदि का सहयोग बहुत ज़्यादा उनके साथ रहा है। वे खुद बहुत श्रद्धा भाव से हर साल सावन के महीने में अलग अलग अनुपयोगी सामग्रियों का उपयोग कर देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की प्रतिकृति बनाने का प्रयास करते हैं। इस साल उनके द्वारा सब्जियों के टूटे हुए कैरेट, लगभग 1.5 क्विंटल तार, खिड़की की खराब जालियां, मोबाइल फ़ोन के चार्जर और उसकी जो लीड होती है, उसके अलावा साइकिल्स के रिंग, वाहन के बम्पर और अनेक तरह की अनुपयोगी सामग्री के जरिए 15 फीट ऊंची भगवान शंकर की आकृति तैयार उनके द्वारा की गई है। उनके द्वारा बताया गया कि ये इसमें से बहुत सारी सामग्री उन्हें जन सहयोग से मिल गई। कुछ सामग्री खरीदी करने के लिए उनके द्वारा लगभग
15,000 रुपये से ज़्यादा की राशि भी व्यय की गई है। कितना सुंदर यहाँ पर नज़ारा दिख रहा है विक्की कश्यप और उनके साथियों की। ये देखिए यहाँ पर आपको सेल्फी लेते हुए फ़ोटो खिंचवाते हुए यहाँ पर युवा दिख जाएंगे, मठ मंदिर परिसर का ये नज़ारा। और इसमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, लोगों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि किस तरह अनुपयोगी सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, किस तरह अनुपयोगी सामग्री को का उपयोग कर उसे एक आकार दिया जा सकता है। जिले के चारों विधायकों, दोनों सांसदों सहित जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे जिले में इस तरीके की जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं का को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास जरूर करें। अगर वे प्रयास नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसकी सराहना व्यापक स्तर पर की जानी चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।